आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, कल मैं प्रभु के साथ बैठा था, प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा था। प्रभु के साथ जब मैं संगति कर रहा था तो प्रभु ने एक दर्शन दिखाया। वो 2022 के रिलेटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब उसका दर्शन का प्रकाशन प्रभु ने खोला और उसकी गहराई को मैं समझ पाया, और बहुत गहरी और सच्ची और बहुत ज़रूरी बात है हम सभी की ज़िंदगी के लिए। तो वो दर्शन कुछ ऐसा था जिसमें प्रभु ने दिखाया कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ से ढकी हुई है, और मतलब पेड़ पौधे भी बर्फ़ से ढके हुए, समझ लो ऐसी जगह थी जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आइस, सब कुछ बर्फ़ में, और बर्फ़ का एक जीना दिखाई दिया, और थोड़ा सा हल्की फुल्की धुंध मान लो, या तो बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ, वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट, दूध से भी वाइट। अब मोस्टली दूध ही वाइट होता है, तो समझ लो बहुत प्योर वाइट है ना। और लेकिन इसके साथ साथ प्रभु ने एक इससे कुछ घंटे पहले, हाँ शायद कल दोपहर में, एक दर्शन और दिखाया था कल दोपहर के आसपास में भी, कल लेकिन मतलब कल की डेट में दिखाया था एक और दर्शन प्रभु ने दिखाया था कि मतलब बारिश हो रही थी और ओस पड़ रही थी, बहुत तगड़ी ओस पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, लगभग मान लो कि 15 मीटर की दूरी पर इंसान पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे सकता, हल्का हल्का धुंधला पड़ सकता है, इतनी ओस पड़ रही थी। और इतनी तगड़ी ओस में, इतनी तगड़ी धुंध और फॉग में, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी और टपा टप टपा टप टपा टप पानी की बूंदें गिर रही थी। तो मतलब प्रभु ने उस चीज़ को लेकर सिखाया, और मैंने पूछा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया उसका अर्थ, बाद में धीरे धीरे करके खुलता रहा। जब रात को परमेश्वर के साथ बैठा, जब प्रभु ने दर्शन दिखाया, तो उसके साथ प्रभु ने कनेक्ट कराया, आत्मा में इस चीज़ को सिखाया प्रभु ने। तो इन चीज़ों का निचोड़ ये निकला कि जो बर्फ़ है, जो ओरिजिनल है, जो प्योर बर्फ़ है ना, वो क्या दिखाती है? ट्रांसपेरेंसी को दिखाती है, पारदर्शी रिश्ता, पारदर्शी रिश्ता। जैसे एक शीशा होता है ना, प्योर जो बर्फ़ है, जो बिल्कुल जैसे वाइटनेस, वाइटनेस क्या दिखाता है? दो कई चीज़ों को दिखाता है। पहले तो पवित्रता ही, होलीनेस। प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता में बढ़कर उसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रिश्ता बनाएं, पारदर्शी रिश्ता बनाएं, जैसे कि यीशु मसीह का पिता के साथ था। जैसे यीशु मसीह हमेशा कहता था कि मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वरन जो मैं करता हूँ वो मेरा पिता की ओर से है। और इतना ट्रांसपेरेंसी रिश्ता था यीशु मसीह का पिता के साथ कि यीशु मसीह पिता की इच्छा को जानता था। आज हम में से कितने लोग पिता की इच्छा को जानते हैं? आज हमसे अपनी इच्छा ही पूरी नहीं हो पाती है, एक इच्छा खरीदने की, एक इच्छा बेचने की, एक इच्छा शादी की, एक इच्छा ब्याह की, एक इच्छा कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, एक इच्छा मतलब कई प्रकार की इच्छा, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने की बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम अपनी इच्छाएं लगाते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करके हट जाते हैं, लेकिन कभी खुदा से नहीं पूछते कि खुदा तेरी इच्छा क्या है। यीशु मसीह क्या कहता था कि पिता मुझे तेरी इच्छा को पूरा करना है, पिता तेरी ही सिद्ध इच्छा मुझ में पूरी हो। और यीशु मसीह का रिश्ता प्रभु के साथ एक पारदर्शी था, एक पारदर्शी, जैसे एक शीशे के अंदर से आर पार देखते हैं ना, उसी प्रकार से। और जो जीना दिखाया था परमेश्वर ने, जीने पे जो बर्फ लगी हुई थी, मतलब स्टेयर्स दिखाई थी, बहुत सारी बर्फ ही बर्फ उन पर बिछी हुई थी, और वो जीना ऊपर की तरफ जा रहा था, वो नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मतलब प्रभु उन चीज़ों को लेकर कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्रता का होगा और ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता होगा, कि जैसे हम अंदर हैं वैसे हम बाहर भी हैं। कहने का मतलब, जैसे दाऊद ने कहा था कि पिता मैं तो अपने हृदय के, मेरे हृदय के बोल तुझे ग्रहणियों के ठहरे, मेरे शब्द तुझे कबूल ठहरे। और दाऊद ने एक बात और कही है कि मैं अपने हृदय की बातों को, अपने जीवन की बातों को, सब गहरी बातों को तेरे सामने आकर खोल दूंगा, खुली किताब की समान मैं अपने आप को तेरे सामने खोल कर तुझे बता डालूंगा कि मैं कैसा हूँ, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। और दाऊद ने अपने गुप्त पापों की क्षमा मांगी, दाऊद ने अपने गुप्त पापों को पिता के आगे शेयर किया, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कोई दोस्त दोस्त नहीं हो सकता, कोई पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। आप जानते हो, जैसे एक लड़का दूसरे लड़के से, मतलब एक मित्र दूसरे मित्र से छुपा रहा है कि भाई तू क्या करता है, तेरी सैलरी क्या है, तेरे पास पैसे कितने हैं, तू कहाँ जा रहा है, शादी में चलेगा नहीं चलेगा, नहीं जा रहा, कुछ काम है। अगर कुछ छुपा रहा है तो मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो दोस्त काम नहीं कर सकता है। और हमारी रिश्तेदारी परमेश्वर के साथ कैसी है? अगर हम ट्रांसपेरेंसी में खुदा के साथ रहते हैं तो अपनी सारी दुख की बातें, सुख की बातें, अच्छाई की बातें, बुराई की बातें, भलाई की बातें खुदा के सामने
खुली किताब की तरह रखेंगे। ये सच्चाई है, जो जो व्यक्ति ऐसा करेगा ना तो उसके साथ में कुछ ऐसा होगा जैसे कि प्रभु ने वो पानी टपकता हुआ दिखाया था, मतलब पानी दिखाता है जीवन जल की धाराएं और ओस दिखाती है परमेश्वर की होलीनेस को, और धुआं ओस धुआं ये एक तरीके से फॉग धुएं को दिखाता है। और धुएं के बारे अगर हम पढ़ें शायद पहले इतिहास या छठा अध्याय के आसपास लिखा है कि जब परमेश्वर के याजकों ने, परमेश्वर के आराधकों ने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने, अपोस्टल परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने, परमेश्वर के सेवकों ने जब परमेश्वर यहोवा के पवित्र मंदिर में जाकर उसकी ऊंचे स्वर से स्तुति करी एक लय में, एक सुर और एक ताल में, तो उसी समय पूरा भवन परमेश्वर के धुएं से भर गया और लिखा है कि वहां पर कोई भी खड़ा ना रह सका। मतलब इतनी सामर्थी प्रेजेंस, इतनी सामर्थी उपस्थिति परमेश्वर की आप लोगों के साथ रहेगी। जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र करेगा, पवित्र कैसे करना है, जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र करेगा पहला, दूसरा पवित्र करने के साथ साथ अपना रिश्ता ट्रांसपेरेंसी के साथ रखेगा, पारदर्शी रिश्ता कि हाँ प्रभु मैंने ये गलती करी, हाँ प्रभु मैं तेरे सामने मान लूंगा, हाँ प्रभु मैंने उसका दिल दुखाया मैं जाके उसको सॉरी बोल दूंगा, हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला मैं अपनी गलती को मान लूंगा कि हाँ सॉरी मैंने झूठ बोला, चाहे मेरा एक रुपये का नुकसान हो चाहे मेरा हज़ार का नुकसान हो रहा था, मैं झूठ बोला था जो मैंने उसकी उस गलती को मैं मान लूंगा। क्योंकि हम मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे, हम स्वयं परमेश्वर को धोखा दे रहे थे। और यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य, एक यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में एक ऐसा अपना रिश्ता पिता के साथ बनाकर हमें दिखाया और हमारे आगे एक ऐसा सेट एग्जांपल बना जिसको देखकर आज हम सीख सकते हैं कि आज यीशु का रिश्ता पिता के साथ कैसा था। क्योंकि यीशु मसीह जब पिता के साथ संगति करते थे तो उनका रिश्ता ऐसा पारदर्शी हो गया कि दोनों एक दूसरे के दिल के विचारों को जानने लगे, समझने लगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पिता की इच्छा ये है कि मैं बहुत सा फल लाऊं, कि तुम बहुत सा फल लाओ। आज आपको पता है कि पिता की इच्छा क्या है? हम तो वचन को पढ़ और सुनकर कह सकते हैं कि हाँ पिता की इच्छा ये है, कि इसके अलावा आप लोगों ने जानी है कि पिता आपसे क्या चाहता है? आप लोग क्या समझ रहे हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, धन दे रहा है, बरकत दे रहा है? आपको लग रहा है कि परमेश्वर खुश है? आपको लग रहा है कि क्या सच में परमेश्वर से आपने पूछा कि प्रभु क्या सच में मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है, क्या तू सच में खुश है? क्योंकि प्रभु तू तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, तूने तो प्रभु उन इसराइलियों को भी बहुत ऐसे खिलाया, गुप्त मन्ना दिया, बटेरे बरसाई, उनको पानी पिलाया, समुद्र को दो भाग करके उनको वहां से निकाला, आश्चर्य कर्म किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरा आत्मा तो उनसे रूठा रहा। और आज भी परमेश्वर तू मुझे सब कुछ दे रहे, तो क्या सच में प्रभु तेरा आत्मा कहीं मुझसे रूठा तो नहीं है? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, कहीं आज हम धोखे में तो नहीं है? प्रभु चाहता है 2022 में एक नई शुरुआत के साथ हम खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक नए रिश्ते को लेकर चलें। देखो सबसे पहली बात क्या है, प्रभु चाहता है पवित्रता ही, पहला होलीनेस पवित्रता ही, दूसरा ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता, ये दो तीन दूसरी चीज है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता का रिश्ता, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर हम पारदर्शिता का रिश्ता रखेंगे प्रभु के साथ तो हमारा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टेयर्स दिखाई है परमेश्वर ने वो ऊपर की ओर दिखाई है। और उस रिगार्डिंग प्रभु ने आत्मा में डाला है कि वो जो झीने दिखाए हैं वो पवित्र झीने हैं और वो होली हैं और उन पर बर्फ बिछी हुई है और बिल्कुल 1% भी उसके अंदर काला धब्बा काला दाग नहीं है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमारी जिंदगी हमारी पवित्रता ही में बिल्कुल भी दाग ना लगने पाए और किसी को दोष लगाने का मौका ना मिले हमारी जिंदगी में या हमारी सेवकाई में या हमारे लाइफ के किसी भी हिस्से में। इसीलिए प्रभु कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, इसलिए चाल चलन वचन और प्रार्थना और आराधना में विश्वास में और पवित्रता ही में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो और तू हर एक जन के लिए आशीर्वाद और उद्धार का कारण ठहरे। तो मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु सबसे पहला बताना चाहता है पवित्रता ही, और दूसरा है पारदर्शिता का, ठीक है। और तीसरा है, जैसे ही आप ये दोनों काम करोगे ना तो आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे, जानने के साथ साथ ना जैसे आप जानोगे तो उसकी इच्छा को पूरा कर पाओगे, करने के साथ साथ आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाओगे, उठते जाओगे। क्योंकि लिखा है मैंने तुझे सर ठहराया पूंछ नहीं, तुझे मैंने ऊपर रखा है नीचे नहीं। लेकिन एक तरफ प्रभु ये भी कहता है आओ हम वाद विवाद करें, और वाद विवाद करने के लिए प्रभु कहता है आओ तुम मुझसे संगति कर, मेरे पास बातचीत कर, मेरे पास सुनने के लिए आ। हम हमेशा प्रभु के पास बोलने के लिए आते हैं, उसको सुनाने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी सुनने के लिए नहीं आते। यर्मिया 33:3 में प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, सुनने के बाद प्रभु बताएगा बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें। तू मेरी इच्छा को जानने पाएगा जब मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन तू जब मैं तुझे बताने को होता हूं तो तू प्रार्थना आराधना में से उठ जाती है। तुम्हें मेरी बातों को सुनने के लिए समय नहीं है, तुम अपनी बोलकर तो हट जाते हो लेकिन तुम्हें मेरी सुनने के लिए समय नहीं है।
इसीलिए मेरे भाई और बहनों आज प्रभु चाहते हैं कि हम उसके दिल की इच्छा को जानें, भली भांति उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाएं, ताकि हम पूरे सिद्ध होते जाएं और उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करें, उसको प्रसन्न करें। आज प्रभु कहता है कि देख, तेरे और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है, तेरे और मेरे विचार एक समान नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि तेरे और मेरे विचार एक समान हो। उसका एक ही रास्ता है कि अपने आप को पहला पवित्रता में चलाना, दूसरा परमेश्वर के साथ एक ट्रांसपेरेंसी वाला रिश्ता रखना। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता अगर बिल्कुल गहराई को जानने वाला नहीं है, अगर पति पत्नी के बारे में सब कुछ नहीं जानता है, अगर पत्नी पति के बारे में सब कुछ नहीं जानती है, तो उन दोनों के रिश्ते टूटने 100% जायज़ हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से घुले मिले ही नहीं, दोनों ने अपनी गहरी बातों को प्रकट ही नहीं किया, दोनों ने अपने दिल की बातों को प्रकट ही नहीं किया, अपनी पसंद और नापसंद, अपनी बुराई, अपनी अच्छाई कभी बताई ही नहीं। अगर बताते तो रिश्ता आगे बढ़ता, बताते तो एक दूसरे को दिल से गहराई से समझ पाते, जड़ ही नहीं पकड़ पाए, इसीलिए तो इधर भटक जाता है मन, कभी उधर भटक जाता है, इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए पति अपनी पत्नी के होते हुए बाहर मुंह मारता है, पत्नी अपने पति के होते हुए बाहर मुंह मारती है, कोई तलाक देता है, कोई कोर्ट केस करता है, कोई दूसरी शादियां करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज दोस्ती पूरी तरीके से काम क्यों नहीं करती है? आज इंसान को दोस्ती के समय पर जब जरूरत पड़ती है तब उस समय धोखा क्यों मिल जाता है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज एक मित्र दूसरे मित्र से हकीकत को छुपाता है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तभी तो सच्चा मित्र कौन है? प्रभु कहता है कि सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देता है। और यीशु मसीह ने हमसे अपना कुछ भी छुपाकर नहीं रखा, ऐसा वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे कुछ भी छुपाकर नहीं रखा, वरन अपने एक लौते पुत्र को भी दे दिया। और लिखा है कि मेरा परमेश्वर ने जब तुम्हें मुझे छुपा कर नहीं रखा तुमसे, तो तुम्हें वो सब वस्तुएं सब चीज़ें तुम्हें क्यों ना देगा। मतलब यह भी लिखा है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे कुछ भी एक प्रतिशत भी कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। मेरे भाई और बहनों अब सोच कर देखो, वो हमारा सच्चा कितना अच्छा सच्चा परमेश्वर है। वो पवित्र मित्र भी है, उसने अपनी जान भी दी है, और जैसा वो अंदर है वैसा वो बाहर भी रहा। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। आज हमारी कैसी मित्रता है, कैसा रिलेशन है, कैसे रिलेटिव्स है, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं, क्या हमारा रिश्ता उनके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ है? अगर हम कुछ उनसे छुपा रहे हैं तो मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे शक वाली बातें हैं कि पता नहीं कहीं बताना दे, कहीं वो पता नहीं इसका गलत फायदा ना उठा ले। क्यों? क्योंकि रिश्ता अच्छा नहीं है, तभी तो हमारे मन के अंदर दूसरे के प्रति शक आ रहा है। अगर दूसरे को हम दिल से खुलकर बताएंगे तो शक तो आएगा ही नहीं। और इसी कारण हमें पता चलता है कि हमारा कोई सामने वाला कोई ऐसा मित्र है जिसको हम दिल से खुलकर बता रहे हैं और सारी बातें बता रहे हैं, 0.1% A to Z सब कुछ बता रहे हैं, तो वो एक अच्छा मित्र है। अगर हम उससे कुछ बताने में कतरा रहे हैं तो वो एक अच्छा मित्र नहीं है, एक अच्छा रिश्ता हमारे उनके साथ नहीं है जो हमारा होना चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? एक सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए जान देता है, प्राण देता है। और यीशु मसीह आखिरी सांस तक विश्वासियों के रहा, और यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी छिपा कर ना रखा, वरन अपना सब कुछ खोल दिया। और यीशु ने कहा जो तेरा है, तेरा क्या है? दुख, तकलीफ, कमी, घटी, कर्जा, गरीबी, बीमारी, समस्या, परेशानी, ये सब कुछ मेरा है। और जो मेरा है, यीशु ने कहा जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। यीशु का क्या था? स्वर्गीय सिंहासन, आनंद, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, अधिकार और सब प्रकार की परिपूर्णता। जो मेरा है वो तेरा है। सोचो आज कौन मित्र किसको अपना सब कुछ देता है, कौन किसका मित्र कैसा है, कौन किस मित्र के लिए जान देता है। अरे मेरे भाई और बहनों, इस बात को सोचना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दी थी तब हम उसको जानते भी नहीं थे, हम तो पैदा भी नहीं होते। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, सच्ची मित्रता, सच्ची परिपूर्णता। आज इंसान अपनी लवर्स को जानने के बाद भी जान नहीं दे पाता है, और जान भी देता तो किस चीज़ के लिए देता है समझने की कोशिश करना। जान दे भी रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि सामने वाला उसकी गहराई को समझ नहीं पाया। और जान इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो उसे प्रेम रखता है। चलो ठीक है, प्रेम रखता है, लेकिन चलो सामने वाला समझ पाया नहीं समझ पाया उसकी बात अलग है, लेकिन इसमें समझने की कोशिश करना, उस व्यक्ति ने जो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पत्नी के लिए जो जान दी है वो उसने सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए दी है जिसको वो जानता है। लेकिन यीशु तो हमें जानता था लेकिन हम उसको नहीं जानते थे, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु आज ये कहना चाहता है कि इस नए साल के अंदर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ पवित्रताई को लेकर पहला, दूसरा परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंसी मतलब एक पारदर्शी रिश्ता को हम प्रभु के साथ अच्छे से बनाने पाएं, अपनी गहरी बातों को, अपने दिल की बातों को जो हमने किसी से शेयर नहीं करी, चाहे भले ही करी भी थी लेकिन हमें धोखा मिला, जिस पर हमने भरोसा रखा वहां से दरवाजे बंद हुए, लेकिन अपनी उन बातों को खुदा के सामने प्रकट करना है।
पेश करना है, प्रभु की इच्छा को पूछना है, प्रभु से अगुवाई मांगनी है, प्रभु की मर्जी को मांगना है। अब तक चाहे अपनी चाल चलते रहे, अपनी इच्छा पूरी करते रहे, अपनी इच्छा के अनुसार खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते रहे, अपनी इच्छा के अनुसार खरीदते रहे पहनते रहे उड़ते रहे, बाद में हम खुदा का धन्यवाद किया, लेकिन आज खुदा चाहता है कि हम पहले प्रभु की इच्छा को पूछें और उसकी इच्छा के अनुसार करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें और फिर उसका धन्यवाद करें। मेरे भाई और बहनों, आज सारी बात ये है कि हम प्रभु को पहला स्थान कहाँ दे रहे हैं। अगर हम पवित्रता में चलना चाहते हैं तो पवित्रता में चलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बुराई से बैर करना ही, परमेश्वर का भय मानना है। प्रभु का भय मानेंगे तो ही हम पवित्रता में चल पाएंगे। और दूसरा, हम अगर परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है ना, परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर है तो हमारी जुबान पर नियंत्रण रहने के कारण है ना, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम उसकी पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। और अगर पवित्रता में बढ़ेंगे तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे हम पवित्रता में बढ़ेंगे तो हमें वरदान मिलेंगे, अभिषेक मिलेगा, ताकत मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, और पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का फल, ये सब चीज़ें प्रभु हमें देगा। क्यों? क्योंकि जब एक बाप का रिश्ता बेटे के साथ अच्छा हो जाए ना, तो बाप को गिफ्ट देने में शर्म नहीं आती है। बाप छितरा कर देता है गिफ्ट भी और रिवॉर्ड भी। गिफ्ट गुप्त में दिया जाता है और रिवॉर्ड पुरस्कार छितरा कर दिया जाता है, भरी भीड़ में दिया जाता है। और बाप ने हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी है खुले में कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु का रिश्ता पिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ था। आज प्रभु चाहता है अगर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना रिश्ता रखें तो ही जो पानी जो गिरता हुआ दिखाया था, बारिश दिखाई थी और ओस दिखाई थी, तो प्रभु चाहता है अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ट्रांसपेरेंसी वाला हो गया तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से, परमेश्वर के अभिषेक से और उसकी पवित्र आत्मा की जीवन जल की धाराओं से हम परिपूर्ण हो जाएंगे और हमारे अंदर से वो धाराएं बह निकलेंगी। जो भी हमारे कांटेक्ट में आएगा वो आशीष पाएगा, उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, बरकत पाएगा, शापों से आज़ादी पाएगा और नरक से बचा लिया जाएगा, और उसमें से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, धाराएं बह निकलेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें उसका कारण बनाएगा, और उसका कारण बनने के लिए पहला पवित्रता और दूसरा ट्रांसपेरेंसी और तीसरा, जैसे ट्रांसपेरेंसी होगी तो उसकी इच्छा को जान पाएंगे। इच्छा को जानना जरूरी है, उससे पूछना जरूरी, क्या प्रभु मेरा जीवन तेरे ग्रहणी योग्य है। और जैसे ही उसकी इच्छा हमें मालूम पड़ती है और उसकी इच्छा को हम वचन के अनुसार ही जान सकते हैं, उसकी इच्छा वचन के विरुद्ध में नहीं होती कभी, ध्यान रखना। वो शारीरिक अभिलाषा के लिए, शरीर पर मन लगाने के लिए या संसार की वस्तुओं से प्रेम करने के लिए नहीं कहता है। प्रभु ने इस बात को लेकर मुझसे भी बात करी, क्योंकि अभी कुछ टाइम ऐसे इसी से रिलेटेड चल रहा था, लेकिन खुदा ने मुझसे बात करी कि तेरी इच्छा क्या हो रही है, तेरी अभिलाषा क्या हो रही है, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा, तू भटक रहा था। देख, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, संसारिक वस्तु पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन जो मुझ पर भरोसा रखता है उसके लिए वो अनंत काल का जीवन है। जो तूने सोचा भी नहीं वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू अपना दिमाग मत लगा, क्यों खोज रहा है, ये सब चीज़ें तेरे पास यूं ही आएंगी। प्रभु मुझे सिखा रहा है और यही चीज़ प्रभु आपसे कहना चाहता है। चाहे किसी को कुछ भी चाहिए, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, चाहे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, चाहे घर परिवार की तरफ से फेवर चाहिए, लेकिन आपको उन चीज़ों की तरफ भागने की, उन चीज़ों को अपने हैंडल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रभु के पीछे भागो, अपना रिश्ता खुदा के साथ अच्छा करो, ये सब कुछ आपके पीछे ही आएगा। क्योंकि यीशु के पीछे सब कुछ यूं ही आता था, चमत्कार यीशु मसीह के चलते चलते होते थे। यीशु मसीह को चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी, यीशु मसीह को बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने की जरूरत नहीं थी। यीशु सिर्फ एक शब्द बोलता था, काम होते थे, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करता था। कैसे होता था ये सब? यीशु का रिश्ता पिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ था, पारदर्शी रिश्ता था। समझने की कोशिश करना। इसीलिए प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है, सबसे पहला पवित्रता ही, और दूसरा है हमें पिता की इच्छा को जानने के लिए उसके साथ ट्रांसपेरेंट रहना है, पारदर्शी रिश्ता बनाना है, और तीसरा, अगर हम वैसा रिश्ता बनाएंगे तो हमारा लेवल ऊंचा होता जाएगा, ना चाहकर भी खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। आप अगर चाह नहीं रहे हो, आप बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आपको चाहे कैसा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको खुदा ऊंचा उठाएगा। तीसरा, उठते जाओगे, क्योंकि ये है ही ऐसा, ये परिस्थिति है ही ऐसी, आप ना चाहकर भी उठोगे, आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, ना चाहकर भी बढ़ेगा, ना चाहकर भी आशीषित होगे, ना चाहकर भी आपके लिए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। और चौथा, जैसे आप इन दो कामों को करोगे तो तीसरा, रास्ते पे परमेश्वर आपको अपने आप ऊंचा उठाता जाएगा। और चौथा क्या है, जैसे आप ऊंचे उठते जाओगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के अभिषेक से, अपने उस अनॉइंटिंग से, स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग से और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से पूरा पूरा डुबा देगा, पूरा पूरा परिपूर्ण कर देगा, ताकि आप में से जीवन जल की नदियां बह निकले और परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर ठहरी रहे, ताकि जब कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना करो या कभी भी आप वर्शिप करो
तो उस समय परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ्य रूप से उतरे और लोगों के छुटकारे हों और लोग गवाही दें कि तेरे साथ यहोवा रहता है। तो उससे प्रार्थना कराने के द्वारा मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ, मेरे को चंगाई मिली, मेरे को आशीष मिली, मेरे को बरकत मिली, मेरे टूटे रिश्ते जुड़े। ऐसा होने जा रहा है बहुतों के साथ, क्योंकि प्रभु ने इस बात को सिखाया। ये 2022 के लिए प्रभु चाहता है कि सबसे पहला पवित्रता में चले, दूसरा ट्रांसपेरेंसी रिश्ता रखे, तीसरा अपनी हम अपने साथ साथ वरन सॉरी अपने नहीं वरन पिता की इच्छा को पूरा करना चाहे, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ढूंढे और खोजे कि वो क्या चाहता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।